मगर फैक्ट्री वाले को एहसास नहीं हुआ, कोई कंपनी वाले गेट वैसे ही लग रहा है, ओवर टाइम लगा रहा है, त्यौहार में भी काम कर रहा है, कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं है, सब बिना लाइसेंस की कंपनी चल रही है इधर। प्रशासन अगर चाहती तो यहाँ जो एक्सप्लोसिव का काम हो रहा था कदापि नहीं होता। बहुत सारा लीगल काम यहाँ होता है जिसको प्रशासन से मिलीभगत से होता आ रहा है, आज तक लेते आ रहे हैं, ना उसका कोई देखरेख करने वाला है, ना प्रशासन बोलने वाला है, ना कोई जनता बोल रही है, ना कोई नेता बोलने वाले हैं। अगर कोई बोलने वाला आवाज उठाया जाता है तो उसको कुचल दिया जाता है, उसको बदनाम कर दिया जाता है। सेफ्टी कोई नाम का नहीं है, लोकल कंपनी जो चल रही है उसमें आग का कोई भी ऐसा नहीं है बचाव का कि कैसे वर्कर बचेगा। ना एसआई है, ना मेडिकल है, ना फंड है, ना बोनस है, हाथ कट गया तो लूल हो गया, मार के भगा दिया, अब बस ऐसी है। जो कंपनी जिसका मान लीजिए कि लाइसेंस ही नहीं है वो तो क्या करेगा, चेकिंग कराएगा, वो तो चोरी से चलाएगा। तो ज़्यादातर तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति भी हैं जिसका आज तक यहाँ पे आधार कार्ड भी नहीं बना है, बहुत से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जिसका कोई आईडी प्रूफ नहीं है। वो 40,000 ठेकेदार कमाता है और मजदूरों को पैसा ढंग से नहीं देता है और डरवा देता है, मारूंगा गाली दूंगा, यही बात है बवाना के अंदर। जो दिन भर करेगा सवेरे 9 बजे जाएगा और शाम को 7-8 बजे आएगा तो उसकी तनख्वाह क्या होनी चाहिए, यही होने चाहिए अच्छे साहब 6,000-5,000 ऐसे ही दे रहे हैं जी। 12 घंटा खटेंगे, 8 घंटे का पैसा मिले, ये कहाँ का नियम है, कहाँ का अथी है। यहाँ असल बात किसी भी फैक्ट्री में क्या चीज बनता है या कितने नंबर फैक्ट्री है, यहाँ वो स्लिप या वो बोर्ड नहीं लगाता है, जो भी काम होता है उस काम का नहीं दिखाता है, शो नहीं करता है, चोरी छुपे यहाँ काम ज्यादा चलता है। कोई मतलब चेकिंग करने के लिए आता है तो वो लेबर सबको जो है बाहर नहीं देता निकालने के लिए, सबको कहता है ऊपर चले जाओ, अगर आएगा तो समोसा ब्रेड पकौड़ा और चाय बाहर मतलब ठंडा गर्म चल रहा है, लेबर जानेगा नहीं तो वो क्या बोलेगा कि हाँ बाबूजी हमको तनख्वाह बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, सरकार के कैसे जाएगा वो बात, नहीं जवाब पहुँच पाता। जो बैचिस गवर्नमेंट की तरफ से है रूल वो तो कभी दिया ही नहीं यहाँ पे, किसी को 6,000 किसी को 7,000, जो पुराने को उनका ज़्यादा से 9 कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पानी का कोई जुगाड़ नहीं, आग बुझाने का कुछ नहीं है, ना कोई गैस है उसमें सिलेंडर, ना कुछ कुछ नहीं है उसमें आग बुझाने का, सब ऐसी है समझ लो एक तरीके से गुंडा राज है यहाँ पे। मजदूरों का सब संगठन होना चाहिए तभी जा कर के ये लोग सुधरेंगे, तो ऐसे नहीं सुधरेंगे। एक कानून सरकार बनाए कोई सा कि जाके इन लोग दबाव में रहे, हाँ पूरा हक तो सही चले, नहीं तो बंद कर। हम अकेला बंदा तो कुछ कर नहीं सकता, जब 7-8-10 जन अगर मिलके करेंगे तो ही हो सकता है, अकेला बंदा कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता। सैलरी तो हमारे तुम्हारे हाथ में, हड़ताल करो एक दिन, देखो जाकर धरना डालो, देखो कैसे नहीं होता है। एक तो आसमान छू रहे हैं, बाजार आसमान छू रहे हैं, लेकिन मजदूर धरती चाट रहे हैं।